झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार भी देखा, सब तो देख लिए, वही गेलो ना जो तो खेल खेल बार चलो सब वही गेलो सब है लोग के बोलते परवेक नहीं नो हमार सरकार आसे नहीं बोलते परवेक की सरकार अपना रे पांच साल सरकार था किलो और पांच साल सरकार है इबेर केव तो नेता ले लिए केव गढ़ाओ कर बोलू कि पांच साल जो रीजनल गवर्नमेंट देखने का इच्छा पब्लिक का था, एक क्षेत्रीय सरकार देखने का इच्छा था, जिस सरकार ने यहाँ के लोगों का भावना को कुरेद कर नेतृत्व अपने हाथ में लिया था, भावना टके जीते जे मानुष का सत्ता का नीलो से मानुष का तोफन बढ़ाए की बोलते छिलो से मानुष का भाषण की हमार सरकार आते दो हमार सरकार आसले हमरा नीति बनाबो नीति बनाबो এমন নীতি বনাবো কি রিজনাল নীতি আমার রিজনাল লোকের অবসর পাবে ভাই, স্থানীয় নীতি বনবে, নিয়োজন নীতি নোকরির নীতি বনাবো, বিস্থাপন নীতি বনাবো, এ তিনো প্রথম দিশা নীতিগত রূপে আরক্ষণ বরবাদ কিয়া কি আমরা আসবো এসটি এসসি ওবিসি আরক্ষণটা বড় করে দিব, আমি ভি আসতে সময় হাম দাদা কো বোলা कि भाषण और शासन में कितना अंतर है दादा, ये पांच साल को देखो आपको पता चल जाएगा कि भाषण और शासन का अंतर, ये पांच साल इस सरकार का और सरकार का वादा को देखिए आपको अंतर पता चल जाएगा। मानुष भाषण दीते पारे भाषण के मन भाषण जो जिम्मेदारी ना थके जे मानुषार कोनो जिम्मेदारी नाई से मानुषटा कोनो बोलते पारबे कोनो बोले चले जाबे, क्योंकि लोग को पता है कि गरीब लोगों को ठगने के लिए उसको कुछ भावनात्मक बात जोड़ के बोल दो वो विचार बिना किए जल्दी से कोई रिएक्ट कर देता है। कोनो मनुष्य के बोल तोर दादाई तोर खेतता जोते दिलो तोर दादाई तोर खेतता जोते दिलो से मनुष्य ने खाली सुन लो हमरा की करी हमरा सुन ली खेतता जाए देखी ना लेकिन सुन ली इतने डांग बढ़ाए दादा के एक चोट कि अमर खेतता जोते देबे तो कोनो बोले रे कोथा जोते दिए छी तोर चोर देखे ली वो जब जाए देखे कि दादा जोते ना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा घोषणा में कहीं लिखा था क्या तो खुजे कोथाओ नहीं पाली तो खन भापची के बोलते ना ना दादा कांग्रेस हो बे अभी कांग्रेस वाले को भी खोल के देखा कांग्रेस में भी कहीं नहीं हम बोले चल बिहार राजद भीतरे होते पारे लालू यादव पार्टी होते पारे राजद वाला भी खोज के देखा वहां भी मैया योजना बोल के कोई घोषणा ही लोग नहीं है एकटा पाली चूल्हा खर्चा बोल के एक तो मिला हमको चूल्हा खर्चा करके इस सरकार बोला कि हमारा सरकार आएगा हेमंत बाबू हेमंत बाबू बोला हमारा सरकार आएगा तो चूल्हा खर्चा 2000 रुपया प्रत्येक महीना और साल में 72000 रुपया देने का काम करेंगे ये सरकार बोला था। पलटा ये देखवे 8 तारीख के जमशेदपुर मुख्यमंत्री आसलो और आसे बोलचे हमार फिर सरकार आले 1 लाख टका दीबो यदि एमने बोलले के सरकार बनाते पारे तो के बोलबे 10 करोड़ टका दीबो बोलते पारे कि नहीं वो बोल के गए 8 अगस्त को आके यहाँ के बोल के गए कि फिर जो सरकार आसे तो 1 लाख टका दीबो दादा पहले 72000 टका तो दे 72000 दिए ने तल्ले 1 लाख टका रखबे पूरा 6 महीना सरकार बचा ले तब से ये काम शुरू हो गया इनका तो इनके बस की बात है उनकी कहानी एक राम कथा बनेगा। ये झूठ के बुनियाद पे बना हुआ सरकार है ये झारखंड के अस्मिता को ठेस पहुंचाया है। आइए एक जवाब देने लिए हमरा काज करबो और अपना के एक ओन के रिकॉर्ड करते होबे बड़ाम जुगसलाय शहर आछे शहरे आछे कमिटी आछे वार्ड मेंबर आछे शहरे के लोग थाकबे लेकिन एटा बड़ाम ठेपाटाके मजबूत करते होबे टिपते होबे जेमन 2009 रिकॉर्ड छिलो কারো সাথ নাই ছিল একাই বোড়াম যুগ সলাই মিলাই ইয়াকে আমার সঙ্গে পাঠাই নিয়ে ছিল এবারেও করবে না আপনা করবে না আপনারা 2009 সালে আমাদের খেয়াল আছে কি দিদির খেয়াল আছে না 2009 সালে আমরা শুরু করেছিল এই পটমদার লাই কি পটমদার লোককে বাইরের নেতারা আমরাকে ভ্যালু নাই দিত বাইরের লোকে কি বলছো कि पोटम दल लोग बिलाती बागों चास करते जाने इरा रजा को लिखा करते जाने ये देर दरा की चुनाई होवे हमरा 2009 साले हमरा प्रमाण कर दिली कि हमरा बिलाती बागों ने चास करते पारी और हमरा नेता बनाते पारी एमएलए एमपी बनाते पारी पारी कि नहीं। विधानसभा का हमारा चूल्हा प्रमुख सम्मेलन था और
काफी उत्साह के साथ आज चूल्हा प्रमुख सम्मेलन में सभी चूल्हा प्रमुख प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। ये हमारी बेसिक तैयारी है चुनाव से पहले और लगातार ये जिम्मेदारी हम लोग देते हैं। हमने अपने पार्टी की सबसे निचली इकाई को चूल्हा प्रमुख के नाम से हम लोग कॉल करते हैं और एक जवाबदेह राजनीति को खड़ा करने की हमारी तैयारी होती है कि हमारा इकाई प्रखंड या पंचायत तक नहीं बल्कि परिवारों तक पहुंचता है। 10 परिवार का एक प्रतिनिधि हम लोग देते हैं ताकि हर समय उस 10 परिवार के लिए एक सेवा के भाव से ये पार्टी का प्रतिनिधि उनके साथ खड़ा रहे। राज्य में लड़ने की तैयारी हमारी है। अब अलग अलग रूप से नहीं, भारतीय जनता पार्टी अच्छू अलग अलग चुनाव नहीं लड़ती। सीट शेयरिंग एक अलग विषय रहेगा लेकिन 81 विधानसभा में हमारी तैयारी है। जहां भाजपा के प्रत्याशी भी हैं वहां भी हमारी जवाबदेही निश्चित है। सरकार के लिए उनका कार्यकाल बहुत मायने रखता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और 5 साल में उनके किए कार्यों का लोग मूल्यांकन करते हैं, फिर चुनाव के लिए उन्हें चुनते हैं या फिर उनको हटाते हैं। 1 महीना के लिए कोई योजना सरकार का कमिटमेंट अंतिम महीना लेके आना, ये इसको कोई उनके द्वारा चलाई जाने वाली योजना नहीं कहा जाता है। ये विशुद्ध रूप से चुनाव के लिए लाया गया उनका एक प्रोपेगेंडा में से एक है। एक आंदोलनकारी के रूप में मैं ज़्यादा उनको देखता हूँ। 40 साल उनका राजनीतिक जीवन है जिसमें 20 साल उनका इस राज्य के लिए समर्पित जीवन रहा है, राज्य के लिए लड़े। पार्टी के केंद्रीय समिति के निर्णय के अनुसार आज जुगसलाई विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन और शपथ ग्रहण कार्यक्रम पटमदा के कटिन के धरती पर सफल रूप से आयोजन रहा है, जिसमें जुगसलाई विधानसभा के 381 बूथ से चूल्हा प्रमुख बढ़ चढ़ करके भाग लिए और अपना उपस्थिति दर्ज कराएं। इस ऐतिहासिक उपस्थिति ये दर्शाती है कि आने वाले 2024 विधानसभा निर्वाचन में निश्चित रूप से जुगसलाई विधानसभा में बदलाव होगी। आजसू पार्टी केवल वोट का ही राजनीति नहीं करती है बल्कि जनसेवा के लिए, राज्य के उत्थान के लिए, लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रयास करती है। इसलिए एक चूल्हा प्रमुख का जो दायित्व है